जिस आर जिगर की घटना को लेकर के पूरे कोलकाता में बवाल है, और यही नहीं, अगर आप पूरे देश की चर्चा करें तो सब जगह चर्चा हो रही है कि क्या किसी लड़की के साथ इस कदर भी हैवानियत का खेल खेला जा सकता है। जिस तरीके से उस बच्ची के साथ, उस डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर गई, उसको लेकर के पूरा कोलकाता उबाल है। और हर तबके के लोग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे दुकानदार हो, और चाहे सेक्स वर्कर हो, हर किसी के जुबान से यही आ रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की जो ये आवाज़ है पूरे देश में गूंज रही है, और कोलकाता के तमाम इलाकों में अगर बात करें तो धरना, विरोध प्रदर्शन के जरिए इंसाफ की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और मैं बताऊं कि बीजेपी से लेकर के कांग्रेस तक और खुद तृणमूल कांग्रेस के लोग भी विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिलेगा, और क्या कोलकाता की ये घटना अब एक ऐसे मोड़ पर चली आई है जहां पर एक नई लकीर खिंच जाएगी। और ये भी कि लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों की मांग है कि फिर से ये दोबारा इस तरीके की खराब घटना कभी कोलकाता में ही नहीं, पूरे देश में ना हो। और ख़ास करके महिलाओं को लेकर के, महिलाएँ जिस तरह से डर में हैं, जिस तरह से दहशत में हैं, उसको लेकर के भी लोगों की चिंता जायज़ है। और एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक संस्थान होने के नाते, हम भी इस तरह की घटना को कभी कवर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आज इस चर्चा को आज हम ले आए हैं सोनागाछी। सोनागाछी एक ऐसा इलाका जो सेक्स वर्कर के लिए जाना जाता है, रेड लाइट एरिया है। और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेक्स वर्कर हैं, इनकी भी अपनी चिंता है। इस क्या चिंता है, लड़कियों की सुरक्षा से लेकर के बेटियों की चिंता तक किस हद तक ये चिंतित हैं, क्या डर है, क्या माहौल है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं विशाखा, जो यहाँ पर दरबार महिला सम्मान कमेटी से जुड़ी हुई हैं, मैं कहूँगा सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम विशाखा लस्कर है, मैं दरबार का सेक्रेटरी हूँ। तो ये बताइए कि कोलकाता में एक ऐसी घटना हुई है, एक डॉक्टर के साथ बहुत बुरी तरीके से रेप होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, एक तो एक ही घटना का बात बोल रहा है, लेकिन हम लोग दरबार का तरफ से पूरा भारतवर्ष को बात करेंगे। जो कोई औरत, कोई मर्द, किसी का ऊपर कोई बच्चा, इतना मर्मान्तिक घटना नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग समाज में जो बात करते हैं, सब एक अपर से हम लोग मिले जुले, सब रिलेशन अच्छा रह के हम लोग बात करते हैं, बसोबास करते हैं। तो जो भी केस हुआ है बा जो भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग भी यही बात बोलना चाह रहे, जो जस्टिस सबको मिलना चाहिए। कितना घटना घट चुके हैं और कितना भी घट रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो हो रहा ये ठीक नहीं हो रहा। कई बार ये भी लगता है आप लोगों को, इस घटना के बाद आप लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, एक घटना तो पहले भी हो चुके हैं। पिछले का एक बात मैं बोलूं, एक प्रार्थना बोल के लड़की, उनको पास क्लाइंट आया था, वो उसका बच्चा ट्यूशन में गया लगभग 4-5 बजे ऐसा, और वो दो क्लाइंट को लेके गया था, तब वो क्लाइंट उसको मार दे के गया। तो सेफ्टी नहीं है, हम लोग कहाँ सेफ्टी ढूंढता है औरत लोग, कोई पुलिस स्टेशन में, कोई हॉस्पिटल में, कोई सरकारी जगह में। अगर कोई जगह में ऐसा घटना घटेगा तो कौन सा जगह में इंसान सेफ्टी है, वो हम लोग को पता नहीं है। वो भी हम लोग का टेंशन है, क्योंकि जितना औरत है वह जो भी है, जो काम मेरा है, जो काम जो कर रहा है, कोई किसी का रात को भी पढ़ सकता है, दिन को भी पढ़ सकता है। कोई तो हम लोग सेफ्टी तो मांगता है, सेफ्टी नहीं मांगता है, लेकिन सेफ्टी का जगह यदि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम मन में तो डर सबका रहेगा, डर तो जरूर है। देखिएगा तो मर्डर बोलो, जितना जो भी अत्याचार बोलो, सुबह जब हम नींद टूटते हैं ना, तब जब देखते हैं टीवी खुलते, पेपर खुलते, मोबाइल खुलते, फेसबुक और जो यूट्यूब सब में वगैरह देखा था, कोई जगह में रेप करके मार दिया, कोई जगह में जला के मार दिया, कोई ऐसे ही मार दिया, लेकिन इतना अत्याचार क्यों हो रहा? कोई इंसान को पूरा एकदम जिंदगी ख़त्म करना, ये बात तो ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग भी दुखी है, पूरा समाज को अन्याय का मांग हम लोग कर रहा है, तो जस्टिस हम लोग का भी चाहिए। कोई भी केस का जस्टिस होना चाहिए। अपने ऐसे लोग कहाँ से सीखते हैं, क्या उनके परिवार से कल्चर आता है या फिर क्या होता है? बात आपने पूछा मेरे को, जो
शिक्षा का जरूरत है, शिक्षा घर से ही मिलता है, घर से पूरा स्कूल कॉलेज पूरा समाज में सबको शिक्षा होना चाहिए, जो हम लोग किसी कोई किसी का पूर इतना बुरा हाल नहीं कर सकता है। हमारा पास कानून है, सब कुछ है, अगर वो कोई बुरा कुछ किया है, कोई अन्याय किया है, तो मैं कानून का पास जाऊंगी, उनका जो अन्याय किया है उनका मांग हम करूंगी सटीक जस्टिस के लिए। लेकिन मैं खुद क्यों ऐसा करेगा उनको पर रेप करके, रेप भी कर मर्डर भी कर दिया फिर रेप भी कर दिया, ये तो ये बहुत बहुत बुरा लड़ा, इतना बुरा है, इतना बुरा लग रहा है सुनने का बात। तो ये अपना दिल से महसूस करता है जो कितना कष्ट हुआ उनका ऊपर। जब हमारा लगता है कि ये परिवार से सीख मिलती है इस तरीके की हैवानियत, परिवार जो मानसिक परिवर्तन होना चाहिए, मेंटली परिवर्तन होना चाहिए, मैं किसी का ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए परिवार को तो देखना होगा, परिवार से कैसा शिक्षा उनको मिल रहा, फिर स्कूल में कैसा मिल रहा, हर जगह का जो शिक्षा है ना उनका ऊपर ठीक से ठीक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो कह रही हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि जिस इलाके में हैं आप वहाँ पर भी एजुकेशन और बैकग्राउंड की बात हो रही है, इसका मतलब इसका बहुत अहम रोल होता है। और जिस तरीके का संजय राव ने व्यवहार किया उस लड़की के साथ, जितना जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस तरीके से रेप की घटना को अंजाम दिया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप ये बताइए कि आप क्या सोचती हैं कि क्या बहसी कोई इतना हो सकता है कि रेप करे, उसके अंग अंग काट दे और फिर उसको मार भी दे, मतलब ये इस पर आप क्या कहेंगे? बोला देश स्वाधीन, देश तो स्वाधीन हुआ है लेकिन लड़की लोग तो स्वाधीन नहीं हुआ। हाँ लड़की लोग स्वाधीन से चल सकते है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, क्यों नौकरी करता है, क्यों नॉट ड्यूटी करता है, लेकिन ऐसे ड्यूटी करने से किसी का रेप करना की अच्छा है? हाँ तो लड़की लोग कैसे चल सकता है रास्ता में? हाँ आज जो डॉक्टर में जो हॉस्पिटल का डॉक्टर लड़की है वो किसी का बेटी है, लेकिन ऐसे धरने घलौना काम किया है, ऐसे अत्याचार किया है, तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग का घर में भी बेटा बेटी सब कुछ है लेकिन रास्ता में हम लोग की भी तो डर है ना। तो ऐसे सजा जो जो लोग करते हैं, और जितना भी शहर में रेप होता है लेकिन वो लोग को धर के कड़ी से कड़ी सजा देना बहुत अच्छा है, लेकिन सबका घर में एक ही आवाज़ उठा रहा है जस्टिस मिलना चाहिए, हम लोग यही सोचना चाहिए। लेकिन जो सजा देगा देखेंगे जो दोबारा कोई यही घिलौना काम ना करे, यही हम लोग सोचते हैं। और क्या बोली, सारा भारतवर्ष लोग रास्ता पड़ा हुआ है जस्टिस मांगने के लिए, हम भी जस्टिस चाहिए, वो लड़का को हो जो भी हो उसमें पीछे जो हो सजा उसको मिलने चाहिए। फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा सब कुछ मिल बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, हम भी चाहते हैं फांसी होना चाहिए। आप सेक्स वर्कर हैं, कई बार ऐसा होता है कि खराब लोगों से भी पाला पड़ जाता है, कुछ गंदे घिनौने लोगों से भी पाला पड़ जाता है, लेकिन जिस तरीके से घिनौनापन उस वहां पर हुआ ऐसा कभी सुना? जो आदमी लोग घिनौना सोच लेके आता है तो उसका क्या मन में जगाएगा जे ये सीधा होना अच्छा है, भले रास्ता में चलना है, लेकिन जो खराब है तो खराब नजर भी आएगा, लेकिन वो रास्ता घाट में जितना लड़की को देखेगा वो खराब नज़र से ही देखेगा, तो कैसे उसको लड़की लोग रास्ता में चल सकता है? उसी टाइम में किसी का बुरा नज़र से देखेगा एक सही बात है, वो लोग को मार देना चाहिए, यही हम लोग चाहिए। ठीक है, आप ही बताइए, आपको भी लगता है कि फांसी की सजा होना, क्या सजा होना चाहिए जिसने भी ये रेप किया है और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से मर्डर कर दिया है, उस पर आपको क्या लगता है क्या सजा होनी चाहिए? देखिए हम लोग तो पहले हम लोग चाहते हैं उसको जो ये घिनौना काम किया जो भी जिसने भी किया सबको सजा होना चाहिए, बट हम लोग जस्टिस चाहिए। आगे सजा हम लोग बहुत कुछ मांग सकते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट जो कानून है अदालत है उनको जो अच्छा लगे जो उनको होना चाहिए वही सजा हो। आपकी क्या मांग है कि उसको क्या सजा होना चाहिए? मुझे तो मांग है कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अच्छा फिर से आपके पास आते क्योंकि आप
एक समझ है एक इस तरीके के इलाके में काम करने के लिए। जब रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर भी वो सुनने में आया कि आता था, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस हद तक भरे अस्पताल के अंदर जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, जहाँ पर डॉक्टर हैं, जहाँ पर नर्स हैं, जहाँ पर मरीज हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि वो वहाँ पर भी वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है और रेप करने लगता है? देखिए, हम लोग सुने हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं, इधर इतना लड़की लोग है, कौन आता है कौन जाता है ये ट्रैक करना बहुत सारा बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बोला है, गया है, सुना सीसीटीवी में, सुनागाछी में देखा है, सुनागाछी में देखा है, तो ठीक है। रेड लाइट एरिया इतना छोटा नहीं है, बहुत सारा बड़ा है, लेकिन कोई आया कोई गया ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन उनको देखेगा, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं उनको, जिसको जो चीज़ हम नहीं देखे नहीं कुछ बोल नहीं सकता है। जब तक हमें देखेगा सुनेगा तब तो बोल सकता है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है सीबीआई है जो उनको लेके आया सुना था, मैंने वो कोई ठीक जगह वो देखा नहीं पाया। इतना हॉस्पिटल में इतना सारा पेशेंट पार्टी है, पुलिस प्रशासन भी है, डॉक्टर है, नर्स है, सब के, फिर उसका अंदर ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे समाज का बाहर, अभी तक इतना दिन से घटना घटा है, मैं वही मेरा दिमाग में बात घूम रहा है, इतना सब रहने का बावजूद फिर उनका अंदर कैसे ऐसा घटना हुआ है, ये बहुत असह्य का बात हुआ है। ये कैसे हुआ ये तो जरूर इनका सामने निकाल के आना चाहिए जो कैसे हुआ है। हमको भी समाज का बाहर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है बड़ा, मतलब आपको लगता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है? बहुत दिक्कत लग रहा है जी, ऐसे कैसे हो सकता है? जो ही कोई पब्लिक प्लेस है, कोई फाका जगह है, उधर का बात अलग है, लेकिन हॉस्पिटल में कितना आना गुना जाना है, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? इसीलिए कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि शायद ये अस्पताल की घटना नहीं है, कहीं से बाहर होकर के फिर वो वहाँ पर, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर बॉडी रख दी गई, क्योंकि अस्पताल में कैसे कोई ऐसे कर सकता? देखिए, इनका बारे में मेरे को कोई नहीं बोल सकते, कभी वो बाहर लेके गया, क्या किया, लेके आया, उनका जो मर गया लड़की, उनका माँ का जो एक बैग मैंने सुना था, बोला मेरा बेटी का साथ बात हुआ, खाना लेके आया, खाना खाया, वो जो सीसीटीवी का फुटेज जो दिखा रहा था उसी में देखा, जो खा रहा सुन रहा, तो मैं ये देख के बात बोल रहा, तो अगर ऐसा होगा तो ऐसे कब बाहर गया कब आया, तो ऐसी हॉस्पिटल का ही घटना होगा, कैसे बाहर लेके जाए गया है? वो तो ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी में थे। अब कुछ और लोगों से सवाल करते हैं, आप ही बताइए कि संजय राय अगर आप मिल जाए तो आप क्या उससे कहेंगे? उससे कुछ नहीं कहेंगे, उसको पकड़ के झुला के मारेंगे, झुला के मारेंगे, फांसी तो बाद में होगा, जस्टिस तो हम लोग को भी चाहिए, उसको तो ऐसा नहीं छोड़ना छोड़ेगा कोई भी नहीं, पब्लिक को मिलेगा ना, पब्लिक उसको खा जाएगा, नोच के खा जाएगा वो, पर अकेला का उसका काम है ही नहीं, उसका अकेला का काम नहीं है, अकेला वो एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, और जस्टिस हम लोग को भी चाहिए, हम लोग का भी बच्चा है, फांसी तो होना चाहिए, पर उससे भी अगर कोई ज्यादा कठोर सजा हो तो वो भी हम लोग को चाहिए, फांसी से भी ज्यादा कुछ है तो हम लोग को वही चाहिए, फांसी तो एक बार में मर जाएगा, उसको एक बार में नहीं मारना है। पहली बार आप सुने इस घटनाकांड को तो आपके मन में क्या आया कि ऐसा कैसे हो गया, क्या क्या दिमाग में चला? वो अकेला का काम है ही नहीं, वो अकेला का काम नहीं है, उसमें और बहुत दो है, वो लोग सबको पकड़ के सजा देना चाहिए, सबको फांसी देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे भी हम पूछेंगे कि आप लोग भी धरना प्रदर्शन करने को करे थे, आपने किया था, आप भी इंसाफ की मांग कर रही हैं, यहाँ पर भी आप बार बार इंसाफ की आवाज कर रही हैं, तो क्या आप लोग इसको और भी उठाएंगे इस इशू को कि नहीं एक व्यवस्था बने पश्चिम बंगाल में, एक ऐसा सिस्टम काम करे जिसमें लड़कियां सुरक्षित हों? देखिए, मैं पश्चिम बंगाल का बात नहीं बोलूंगी, पूरा भारतवर्षों का बात बोलूंगी, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, औरत लोग सेफ कैसे रहेगा, औरत नहीं मर्द भी उनको, सब इंसान कैसे सेफ रहेगा, जितना अनसेफ है ना, कोई जगह में मर्डर हो रहा है, हो रहा उनका मारपीट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हर एक बात हम बोलेंगे, जो जस्टिस में जो ऐसा कुछ कानून में है, जो धीरे धीरे उनको जो क्या बोलते हैं तड़पा तड़पा के जो किसी को मारा है, उनको भी ऐसा शास्ति होना चाहिए, वो भी महसूस करे जो मैं किसी को कैसे मारा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर
उसने इतनी क्रूर घटना को अंजाम दिया है, एक लड़की के साथ जो डॉक्टर थी, जो दूसरों का इलाज करती थी, जो बीमारियां दूर करती थी, उसके जीवन में एक ऐसी बीमारी लग गई कि पूरी दुनिया में खबर बन गई। उस लड़की के साथ जो जाती हुई, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, ये बता रही हैं इनके भी मन में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है कि आखिर कोई ऐसी सजा हो जो मौत से भी बदतर हो। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? जो सबने कहा, हम इनमें से कुछ अलग नहीं है, हम भी यही कहेंगे। जो देखिए, उसको जो सजा देगा कानून देगा, हमारा बस में नहीं है सजा देना। कानून जो चाहेगा अच्छा बुरा वही, लेकिन हम तो चाहेंगे उसको बुरा से बुरा हाल होए। ऐसा हाल कर दो तो सोच के उसको नफरत हो जाएगा लेडी का ऊपर में, जो हम किसी का ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं करे। और फांसी सजा कानून देगा, और उससे बड़ा से बड़ा सजा, जब बोला संजय, संजय रॉय का अकेला का काम नहीं है, जब 19 आदमी 21 आदमी का बात आया तो कानून चाहे तो सबको इकट्ठा पकड़े, जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को सजा दे। कई बार ऐसा भी होता है कि न्याय नहीं मिल पाता है, बहुत देरी हो जाती है। आप लोग सोचते हैं कि इस जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, ताकि एक उदाहरण सेट हो? देखिए, जब जल्दी तो जल्दी तो सजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि जितना लेट होगा केस थोड़ा पीछे, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, चापा हो जाता है, वो दबा देता है, धीरे धीरे केस चलते रहेगा तब सजा होगा। लेकिन जनता को देखना है, जो जो अन्याय हुआ है इनको सजा क्या हो रहा, हम लोग भी आँख में देखना चाहते हैं, जनता भी देखना चाहते हैं। उदाहरण सेट होना चाहिए, अगर इस तरीके की वारदात कोई करता है तो वो बच के अगर निकलता है तो इससे समाज में मैसेज गलत जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो सेक्स वर्कर हैं वो भी चाहती हैं कि मौत से भी बड़ा अगर कोई सजा है तो वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का मामला है, एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला है, और यही नहीं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो देश भर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, बंगाल एक घटना हुई है मगर पूरे देश में हो रही है। क्या अपने बच्चियों का ख्याल आया? जरूर आया, मेरा भी एक बेटी है, और बेटी बोल के नहीं, अभी जो देख रहे हम लोग, सुने और सुन भी रहे, देख भी रहे, भारत को आज़ादी मिला है 78 साल हो गया, लेकिन अभी तक पता नहीं जो हम लोग को क्यों आज़ादी नहीं मिल रहा। अभी भी रास्ता चलने में हम लोग को थोड़ा मन में डर आता है, क्या पता कौन पीछे से मुंह में कुछ दे के हम लोग को बेहोश करके उठा के ले जाके कुछ करे, कि हाथ पकड़ के, मन में डर रहता है। अरे ममिता का बात से तो हम लोग को और ज़्यादा डर हो गया है, किसी को ऊपर में समझ भरोसा करने का दिल नहीं चाहता है, घर बोलो चाहे बाहर बोलो, हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है। अपने बच्चों से बात किया? है, जरूर किया, मेरा बेटी को बोला है जो देखो बाबू, दामाद जब घर से निकाल के चल जाएगा तुम अपना ताला बंद करके अपना घर में रहना, कोई भी आ जाए गेट मत खोलना, बाहर से पहले देख लेना कौन है नहीं है। ये तो घटना का फर्क है। देखिए, पर एक सवाल, जो हिंदुस्तान की बात, आप चूंकि पूरे भारत की बात कर रही हैं और ये अच्छी बात है कि इस विमर्श को एक दिशा मिलनी चाहिए, जब भारत की बात होती है तो बेटियों को सम्मान नहीं मिलता, और सेक्स वर्कर की भी बात करें उनको भी उस सम्मान रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लेकिन जब आप दुनिया के तमाम देशों में जाएंगे तो वहाँ महिलाएं सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, आज जो घटना घटा है इसके बारे में पूरा भारत में चर्चा हो रहा है, लेकिन मेरा पुरुषतांत्रिक समाज में हम लोग बात कर रहे हैं, जो देश स्वाधीन का बात हुआ है, देश स्वाधीन हुआ है, लेकिन पुरुषतांत्रिक जो समाज में उसा लेडी लोग कभी स्वाधीन नहीं हुआ है। आज मेरा बेटी को मैं बोलूँगी घर में तलाल दे के रहेगा, वो जिंदगी नहीं है। हमारा पूरा भारतवर्ष में ऐसा होना चाहिए, पूरा औरत लोग स्वाधीन में जिएगा। क्यों मेरा हस्बैंड चला जाएगा तो मैं घर का खिड़की बंद करके रहूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मेरा बच्चा को स्कूल से लेके नहीं आऊँगी, मेरा सास को कुछ होगा, मेरा बच्चा को कुछ होगा, मेरा बेटा को हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेरा गांव, मेरा टोला मोला में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसी का हेल्प करने जाएगा। तो मैं अगर घर में पड़ा रहा, कानून भी आज़ादी दे रहा है, अधिकार देता है, इसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना हो जाए, इसलिए अगर एक कानून आज़ादी दे रहा है, सब कुछ वो खाता कलम में हो रहा है, लेकिन
वास्तव में क्यों नहीं हो रहा, क्यों हम लोग का मन में इतना डर रहेगा, मैं मेरा बेटी को सेव करेगा, मेरा बात दूसरा है, मैं पूरा भारत को बेटी को सेव करेगा, यही बात बोलना चाहिए। कोई भी बेटी में स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कोई काम में जाए, लेकिन शादी में जाए, यही सरकार के पास मांग है। जो कोई काम करना पड़ेगा। और आपसे पूछता हूँ जरा, ये बताइए आपकी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की समस्या कि उनको देखना चाहिए, उनका जितना भी दफ्तर है सरकारी सबको काम करना चाहिए, लेकिन सब लोग ही बैठता है पैसा ही खाता है। काम अगर सही से करता था तो हम लोग भी शादी से चल सकता था। पूरा भारतवर्ष में जितना भी औरत लोग है, बच्चे लोग है, सबके साथ ही अन्याय हो रहा है। अच्छा, ये भी रहता है कि कई बार जब पुलिस के पास कोई महिला जाती है तो वो उसकी कम सुनता है, पहले ही एक नज़र से समझ लेता है कि ये तो ठीक नहीं होगी, ये सोच भी है क्या यहाँ पे? देखिए, हम लोग किसी का सोच को चेंज नहीं कर सकते, वो अपना अपना सोच है। जब हम लोग पुलिस स्टेशन जाए तो लड़की समझ के, औरत समझ के बात थोड़ा कम ही करते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट ऐसा नहीं है, उनका सोच अलग है, तो उनका सोच को चेंज करना पड़ेगा पहले। कि क्या पुरुषों की ज़्यादा सुनी जाती है बाहर में कहीं भी, महिलाओं की थोड़ी कम सुनी जाती है? क्योंकि ये पुरुष जातीय समाज है, इसीलिए पुरुष का कहना ज़्यादा सुनता है। तो अभी सुनना चाहिए महिलाओं का, लेकिन महिलाओं का कोई सुनता नहीं है, इसीलिए हम लोग को घर घर सुनाने से अच्छा हम लोग को अपना कैसा सुनेगा, हम लोग को अपना सबको इकट्ठा होके सुनाने पड़ेगा। समाज में अभी बदलाव नहीं आया है महिलाओं के लेके? हम लोग का कोई बदलाव नहीं आया है अभी लेडी लोग का ऊपर में, जितना देखो जहाँ देखो जेंट्स लोग का ही सब कुछ होता है। हम लोग महिला लोग कोई जगह में जाके बोलने कुछ जाते तो आप लोग नहीं समझिएगा, आप लोग नहीं जानते, लेकिन इतना इन लोग को नहीं पता जो हम ही लोग से सब कुछ शुरू हुआ है। दुनिया ही महिला लोग से बना है। आज जो पुरुष का समझ, पुरुष आया कहाँ से? हम ही लोग से तो आया है, लेकिन ये कोई नहीं समझता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता जी हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि भाई सख्त सजा मिलनी चाहिए या ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे? मुख्यमंत्री तो महिला है, वो भी महिला है, हम लोग भी महिला है, तो हम लोग को चाहिए ये जो गलत हो रहा है ये न्याय होना चाहिए, यही बोलने मांगते हैं हम लोग। सोनागाछी इलाका पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है सेक्स वर्कर के लिए, रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर लगभग 10 से 12 हजार सेक्स वर्कर काम करते हैं, और इन महिलाओं से बातचीत करने के बाद, इन सेक्स वर्कर से बात करने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस जगह पे हो चाहे पूरे भारत में हो, और ये भी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए जो आने वाले समय में एक नज़ीर बन सके, और महिलाओं के खिलाफ अपराध हर हाल में रुकना चाहिए। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, सोनागाछी, कोलकाता।